सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है। सत्संग करने और कराने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग को अपना करके रखते हैं। मान लो वे परमात्मा को अपना करके रखते हैं। सत्संग में आना मानो परमात्मा के सानिध्य में आना है। साधु महात्माओं की संगति में आ जाना मानो परमात्मा के अंग से लग जाना है। सदगुरु महाराज जी ने विशेष बात करनी कृपा की है। जिनके अंदर में सत्संग में जाने की उतावला होती जाती है कि हम कब सत्संग में जाए, हम कब सत्संग में जाए, हम कब सत्संग में जाए, मानो वे जन्म जन्मांतर की पुण्य आत्मा है। और जिनका मन सत्संग में जाने से कतराता है और सत्संग के नाम पर राजनीति करता है, मानो उनका मन जन्म जन्मांतर का पापी है, इसीलिए वैसा करता है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़िएगा, प्रवचन में ऐसा आपको मिलेगा। मैं अपने मन से मनमाना कुछ नहीं कर रहा। आप लोग यहाँ पर जितने आए हैं ऐसे थोड़े आए हैं। आप लोगों के पास पुण्य है, और दूसरी बात आप लोगों के ऊपर प्रभु परमात्मा की कृपा है। तब कड़ाके के ठंड में भी अपने कल्याण की बातों को सुनने के लिए आ गए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले से भी और खास करके कल प्रातः काल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इंद्र नारायण बाबा के दरवाजे पर सत्संग हो रहा है, लेकिन उनका दिल गवाह नहीं करता है कि यहाँ आ जाए। आना नहीं चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता है? उनका दोष नहीं है, उनके पूर्व जन्म के पाप का दोष है, वो उनको आने नहीं देता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा उनकी वाणी में है, तुलसी पूर्विला पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। सज्जनों याद रखेंगे, ऊपर में औरत लगा हुआ है, माइक में यहाँ बोला जा रहा है, हॉर्न से भी आवाज बाहर जा रही है। हॉर्न वाली आवाज किसके लिए है? जो अति वृद्ध हैं, जो यहाँ तक नहीं आ सकते, जो बच्चे हैं जो यहाँ तक नहीं आ सकते, या जो बीमार लोग हैं, लाचार है, यहाँ तक उनके लिए आना असंभव है। बेड पर से उठना उनके लिए असंभव है, उनके लिए बाहर हॉर्न की आवाज है। लेकिन जो सब तरह से ठीक ठाक हैं, यहाँ आ सकते हैं, उनके लिए हॉर्न की आवाज नहीं है, उनको यहाँ आना चाहिए। अगर वे किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, पूर्व जन्म का पाप है या वर्तमान का कोई विकार है। सज्जनों याद रखिएगा, पाप कैसे होता है? विकारे से न पाप होता है। किसी जन्म में विकार हुआ था, पाप हुआ था, एक तो वो पाप यहाँ तक आने नहीं देता है, और दूसरा वर्तमान में उनके अंदर में विकार है, तो विकार उनको यहाँ आने नहीं देता, परमात्मा का संग करने नहीं देता, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने नहीं देता, परमात्मा के माहौल में आने नहीं देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है उनकी वाणी में है, सत्संग क्या है? सत्संग चलता फिरता प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा ये प्रयागराज, ये त्रिवेणी संगम सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिलता है, और जो इसका श्रद्धा के साथ सेवन करता है, सम्मान के साथ सेवन करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा सेवक सादर समन कलेसा। तुलसीदास ऐसा कहते हैं सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिलता है, और आदर के साथ इसका जो सेवन करता है, जैसे आप लोग सेवन कर रहे हैं, आदर के साथ सेवन कर रहे हैं, कराके के खंड में भी यहाँ पर आ गए, जो आदर के साथ सम्मान के साथ इसका सेवन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। सज्जनों कोई भी आदमी क्लेश चाहता है कोई भी आदमी दुख चाहता है, कोई भी आदमी दुख नहीं चाहता, क्लेश नहीं चाहता। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई साधारण आदमी नहीं है सज्जनों। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने जीवन में प्रेत दर्शन के बाद हनुमान जी का दर्शन हुआ, हनुमान जी के दर्शन के बाद भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। जानते हैं आप, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। इनका जब जन्म हुआ था ना, जन्म होते ही इनके मुंह में 32 दांत थे, जबकि और बच्चा जन्म लेता तो कुछ समय के बाद उनके मुंह में दांत होता है। इन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्मे थे तो जन्मे के समय इनके मुंह में 32 दांत थे। चमत्कारी पुरुष। और जन्म के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। प्रसंग में ऐसा भी आता है, इनका लालन पालन साक्षात भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती ने किया है। कोई साधारण लोग हैं ये कह रहे हैं कि सत्संग करने वाले जीव के क्लेशों का नाश होता है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग के लिए और कुछ कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कठोर तपस्या में लगे थे। जब इनकी तपस्या पूरी हो गई तब भगवान श्री राम इनके सामने प्रकट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बोले भगवान श्री राम, तुलसीदास तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, हमसे तुम कुछ वरदान मांगो। भक्त भगवान का भजन करता है, जब भक्त के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं तो भगवान अपने भक्त को कुछ वरदान देना चाहते हैं। मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, मांगो वरदान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण संसार की तरफ देखने लगे कि संसार का कौन सा पदार्थ मांगो जो सदा हमारे पास रह सके। उनको बात समझ में आई, संसार और संसार का पदार्थ स्थिर रहने वाला नहीं है। क्या मांगो कछु स्थिर न रहा है। संसार का कोई भी पदार्थ स्थिर रहने वाला नहीं है, और स्थिर पदार्थ से हमको सुख मिलने वाला नहीं है। स्थिर पदार्थ से हमको सुख मिलेगा, वो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तो है परमात्मा का शरीर, परमात्मा की देह। भगवान श्री राम से परमात्मा की देह मांगूंगा, परमात्मा का शरीर मांगूंगा। सज्जनों देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परमात्मा का शरीर क्या मांगते हैं, परमात्मा की देह क्या मांगते हैं, किस चीज को मांगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते प्रभु श्री राम से कि प्रभु आपको कुछ वरदान में देना चाहते हैं तो सत्संग वरदान के रूप में दे दीजिए, मैं सत्संग आपसे मांगता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा तुलसीदास सत्संग क्या चीज है? तब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते प्रभु आप तो जान ही रहे हैं सत्संग क्या चीज है, तब भी आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु देही सत्संग निज अंग, सत्संग आप हमको वरदान के रूप में दीजिए। सत्संग आपका अपना शरीर है, आपकी अपनी देह है, आपका अपना अंग है। सत्संग आप हमको वरदान के रूप में दीजिए। अर्थात सत्संग परमात्मा का शरीर है, परमात्मा की देह है। सज्जनों, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले कहा था गुरु महाराज जी की वाणी में, सत्संग में आने वाला जीव परमात्मा के अंग से लग जाता है, परमात्मा के शरीर से लग जाता है। याद रखिएगा, कोई बालक कहीं पर किसी कारण से भयभीत हो जाता है, वो माता पिता के अंग से लग जाता है तो बालक को भय रहता है, बालक को डर रहता है। नहीं, उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि माता पिता के अंग से लग गए और हमारा बाल बगा करने वाला कोई नहीं। सज्जना याद रखिएगा, उसी प्रकार से जो सत्संग से लग जाता है ना, अर्थात परमात्मा के शरीर से लग जाता है, उनके अंग से लग जाता है, उनका काल भी बाल बाका नहीं कर सकता, काल उनका बाल बाका नहीं कर सकता है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज से प्रभु श्री राम ने कहा, तुलसीदास मान लिया कि सत्संग हमारा शरीर है, हमारा अंग है, मैं तुमको वरदान में सत्संग दे दूंगा, इससे फल तुमको क्या होगा, इससे फल तुमको क्या मिलेगा। देखिए इतना बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दे प्रभो देहि सत्संग निज अंग शरीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। प्रभो जब मैं आपके अंग को सत्संग को अपना लूंगा ना तो हमारा भवभंग हो जाएगा। भवभंग का मतलब होता आवागमन का चक्र खत्म, न हम जन्मेंगे न हम मरेंगे। अगर आपके अंग को सत्संग को पा लिया, और प्रभु सुनिए हमारे जीवन से सारा दुख चला जाएगा, सारा संताप चला जाएगा, सारा क्लेश चला जाएगा, रत्ती भर भी हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगा। जैसे हम आप सोचते हैं कि रत्ती भर भी हमारे जीवन में दुख नहीं आवे, अगर आप सत्संग को अपना करके रहेंगे ना तो आपके जीवन में रत्ती भर भी दुख नहीं आएगा, मतलब थोड़ा भी दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। सत्संग को अपनाएं। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी ने और कहने की कृपा की है, सत्संग क्या है। सदगुरु महाराज जी ने कहा सत्संग एक भूमि है, जमीन है। जैसे भूमि से, जमीन से अनेक प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, फसलें उत्पन्न होती है, वैसे सत्संग से अनेक प्रकार के ज्ञान प्रकट होते हैं। आप लोग सत्संग में आते, इसका अनुभव आप लोगों को होगा। खास करके संत मत के सत्संग में अलग अलग विषयों पर धर्म ग्रंथ से पाठ होता है और प्रवचन करने वाले प्रवक्ता लोग अपने अपने ढंग से उसी पाठ पर बोलने का प्रयास करते हैं, अलग अलग विषयों पर। कभी सत्संग विषय पर, कभी ईश्वर विषय पर, कभी परमात्मा की भक्ति के विषय पर, कभी माया के विषय पर। देखते हैं हम लोग अनेक प्रकार से अलग अलग ढंग से पाठ होता है और प्रवचन करने वाले प्रवक्ता लोग अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते सत्संग भूमि के समान है, जमीन के समान है। भूमि से अनेक प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, फसलें उत्पन्न होती है और सत्संग से अनेक प्रकार का ज्ञान प्रकट होता है। अभी आप लोग कुछ देर पहले पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे कि संसार क्या है, समुद्र है। ऋषि वाक्य था, मंडल ब्राह्मणों परिषद के ऋषि कह रहे थे संसारवार्धी। संसारवार्धी का मतलब होता है संसार एक समुद्र है। और बारम्बार आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश के। परमात्मा श्री राम ने संसार को क्या कहा, और वारिधि। ऋषि कहते हैं संसार वारिधि, और परमात्मा श्री राम संसार को क्या कह रहे हैं, भव वारिधि। जैसे संसार वारिधि का अर्थ समुद्र होता है, वैसे भव वारिधि का अर्थ भी समुद्र ही होता है। सूरदास जी महाराज ने संसार को क्या कहा, ये भी कहा समुद्र अम्बुनिधि। सज्जनों, अम्बुनिधि का भी अर्थ होता है संसार एक समुद्र है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा भव सागर दरिया अगम, जिलमी लहर अनंत। सभी महापुरुष कह रहे संसार समुद्र है। ऋषिवाक में सुने संसारवादी, भगवान श्री राम के वचन में सुने भववारिधि, सूरदास जी महाराज के वचन में सुने भव अम्बुनिधि, सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं भव सागर। सज्जनों, संसार समुद्र है, लेकिन आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य भी होगा। समुद्र है तो समुद्र में जल कहाँ है, पानी कहाँ है? आप लोगों में से कोई भी समुद्र के तट पर गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि समुद्र बिना पानी का नहीं होता है। अगर यहाँ पर भी बहुत जोरों की बाढ़ आ जाए, चारों तरफ पानी पानी हो जाए, तो अनायास हम आपके मुंह से निकल जाएगा, लगता समुद्र आ गया, चारों तरफ समुद्र है। किसको देख करके शर्मा बोले? पानी को देख करके बोले। चारों तरफ पानी देखने में आया तो हम आपके मुंह से निकल गए कि नहीं, ये समुद्र है। तो सज्जनों, समझ लिए कि समुद्र में पानी होता है, बिना पानी का समुद्र नहीं होता है। तो संसार एक समुद्र है, इसमें पानी क्या है? आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने संसार की समुद्र के लिए कहा इसमें पानी क्या है। सदगुरु महाराज जी ने कहा संसार रूपी समुद्र में पानी जल है, पंच विषय। संसार एक समुद्र है और संसार रूपी समुद्र में पंच विषय पानी के समान है। अब पंच विषय आप लोग जानते ही हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांचों विषय संसार रूपी समुद्र के जल है। सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है। सप्तम सुधासागर में पढ़ेंगे, ये प्रसंग आपको मिलेगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा संसार समुद्र है तो संसार रूपी समुद्र का जल है पंच विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांचों विषय संसार रूपी समुद्र के जल है। सज्जनों, ये जल इतना भयंकर है ना, कहने से बाहर। पंच विषय महापुरुषों ने कहा है ये विष से भी बढ़कर के विष है। शंकराचार्य महाराज के प्रश्नोत्तरी नामक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, उनके शिष्यों ने शंकराचार्य महाराज से पूछा, गुरुदेव विषाद किम विषम, विष से भी बढ़कर के विष क्या है? एक तो विष विष ही होता है, लेकिन विष से भी बढ़कर के विष क्या है? इस पर शंकराचार्य महाराज ने क्या कहा था अपने शिष्यों को, समस्त विषय, समस्त विषय। समस्त विषय का मतलब यही पांचों विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और, ये पांचों विषय विष से भी बढ़कर के विष है जो संसार रूपी समुद्र का जल है। महापुरुषों ने कहा साधारण विष का पान करने पर जीव एक बार शरीर का परित्याग करता है, लेकिन जो विषय रूप विष का पान जीवन भर करता रहता है, इसका परित्याग जीव नहीं करता है तो जीव बारंबार जन्मता है और बारंबार मरता है। महान भयंकर विषय। महापुरुषों ने कहा एक एक विषय की प्रबलता एक एक जीव के अंदर में रहती है, जिसके चलते उनका प्राणांत हो जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर पांचों विषय की प्रबलता रहती है। सज्जनों, रूप विषय की प्रबलता फतिंगा के अंदर में रहती है। तो हम आप देखते हैं जहाँ पर मरकरी जलती है, बल्ब जलता है, प्रकाश होता है, तो वहाँ पर फतिंगा दौड़ करके जाता है, प्रकाश पर बैठता है, जल करके खत्म हो जाता है। रूप विषय की प्रबलता फतिंगा के अंदर में थी, एक ही विषय के चलते उसका प्राणांत हो गया। सब जना गंध विषय की प्रबलता भौरा के अंदर में। महापुरुषों ने ऐसा कहा, भौरा अपने स्वस्थान से कमल के पराग के लिए सरोवर में जाता है, जहाँ पर कमल के लावा होता है, वहां जाता पराग लेने के लिए। सूर्योदय होने से कमल खिलता है, कमल फूल पर वो बैठता है पराग लेने के लिए। पराग लेने में इतना मशगूल हो जाता है, इतना मशगूल हो जाता है कि संध्या हो जाती है। सूर्यास्त तो हो जाने के बाद कमल सिकुड़ जाता है और बंद हो जाता है। उसके अंदर में घोड़ा चला जाता है लेकिन उससे निकलता नहीं है, इतना मशगूल हो जाता है। याद रखिएगा हम लोग, घोड़ा जाता कहाँ पर है? लकड़ी के अंदर, काठ के अंदर। लकड़ी के अंदर, काठ के अंदर घोड़ा जाता है तो घोड़ा के लिए कोई अलग से लकड़ी में छेद कर देता है? नहीं, भौरा स्वयं अपनी दांत से लकड़ी में छेद करता है, अपने से छेद करके लकड़ी के अंदर में घर बना लेता है। इतनी मजबूत उसकी दांतें होती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कमल की पंखुड़ियां कितनी कोमल होती है, बहुत मुलायम होती है। इतनी मजबूत दांत वाले भौरा अपने दांत से कमल की पंखुड़ियों को नहीं काट पाते। कितना मशगूल हो गया, आसक्त हो गया उसमें। सवेरे गया था पराग लेने के लिए, संध्या हो गई। सवेरे सूर्योदय होने से कमल खिला था और सूर्यास्त होने से कमल सिकुड़ गया, बंद हो गया, उसके अंदर में घोड़ा चला गया। लकड़ी को काट सकता है लेकिन कमल की पंखुड़ियों को नहीं काट सकता, वो सीधे रह जाता है। सज्जना, विशेष रूप से घटना कहाँ पर घटती है? हम तो पहाड़ी इलाके में बहुत समय तक रहे, हरिद्वार ऋषिकेश में, हिमालय की तराई में, हिमालय तरफ। उधर हमको पता है बहुत समय तक कुटिया बना करके साधन भजन किए। स्वामी व्यासानंद जी महाराज उधर रहते थे, हम वहीं रहते थे, कि साथ साथ जंगल में कुटिया बना करके रहते थे। पहाड़ पर घूमने के लिए जाते थे, देखते थे कि पहाड़ की चोटी पर सरोवर है, उसमें बहुत तरह के कमल खिले हुए हैं, बहुत तरह के कमल खिले हुए हैं। सज्जनों, वहीं पर घोड़ा जाता खास के कमल के पराग के लिए। रात्रि काल में जंगली हाथी उस सरोवर में पानी पीने के लिए जाता है, भर छाक पानी पीता, भर पेट पानी पीता है, प्यास भर पानी पीता। हाथी जब प्यास भर पी लेता है ना, तो कमल देखता वहां पर है। कमल क्या करता? अपने शोर से कमल को तोड़ करके वो भी खा लेता है। और कमल के अंदर में पहले से कौन है? पता है ना आप लोगों को, कमल के अंदर में पहले से घोड़ा है। जो कमल के पराग लेने में इतने आसक्त हो गए थे, अपनी दांत से लकड़ी को खोद सकते हैं, लकड़ी को काट सकते हैं, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाए थे, इतना आसक्त हो गए थे उसमें। आज देखिए हाथी के चपेट में आ गया है, काल के चपेट में आ गया है। जब कमल फूल को हाथी खा लेगा तो कमल फूल के अंदर में रहने वाले घोड़ा को छोड़ देगा, साथ ही साथ चला जाएगा। साथ ही साथ गंध विषय की प्रबलता घोड़ा के अंदर में है, एक विषय के कारण उनकी जान चली गई, उनका प्राण चला गया। सज्जना, रस विषय की प्रबलता महापुरुष होने का हम मछली के अंदर में रहती है। देखिए संसार की समुद्र का जो जलीय पंच विषय है कितना भयंकर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी में लोग डूबा हुआ है ना, इसी में लोग फंसा हुआ है ना, इन्हीं पंच विषयों में फंसा हुआ है। संसार की समुद्र में रह करके विषय रूपी जल में फंसा है, विषय रूपी जल में फंसा है, इसी में डूब रहा है। सज्जनों, रस विषय की प्रबलता मछली के अंदर में रहती है ज्यादा। मछली फंसाने वाले क्या करते हैं? खुदन ले लेते हैं, बंसी ले लेते हैं, उसमें कोई आहार लगा देते हैं। कितने लोग आटा लगा देते हैं, अपराय के हाथ में चाली लगा देते हैं। लेकिन चाली को सब लोग समझ रहे हैं, जो चाली धरती पर घूमता रहता है लंबा लंबा, वो काट काट करके उस बंसी में लगा देते हैं, दे देते हैं पानी में उस बंसी को। जल में रहने वाली मछली टेस्ट करने के लिए पहले आती है क्या है, टेस्ट करती है। खाने में बड़ा बढ़िया लगता, चखने में बढ़िया लगता, और चखते चखते पूरे बंशियों को खा जाती है। होश है उनको कि चाली को जिसमें लगाया गया है, जिसको मैं खा रही हूँ वो बंशी है, उसके भीतर में। उनको पता नहीं है सज्जना, चाली खाते खाते आहार खाते खाते बंशियों को खा जाती है मछली। होता है क्या, बंशी उसके गलफड़ में लग जाती है। जीव जीव जीविया का चक्कर लेके बैठा है, चाली को खा लेना चलो बुरे बुरे, चाली खाते खाते बंशियों को मछली खा रहा है। बंशी जब खाए ना तो गलफड़ में जाकर के लग जाता है। मछली फंसाने वाले को पता चल जाता है, जैसे चलता है सब लोग जानते हैं। एक कटकी बांध करके ऊपर में रखता है ना, वो करने लगता है, डूबने लगता है। मछली फंसाने वाला डूब जाता है, मछली फंस गई है, बस ऊपर खींचता है, ऊपर ले आता है। क्या करता है, उसको पालता पोसता है, सभी लोग जानते हैं। खाने के लिए मछली मारता है ना, बस ले जाता है और दबिया पर कचिया पर खूब रगड़ता है, रगड़ करके ऊपर वाले छोड़खा को मारता है, उसके बाद भीतर वाले माल को खाता है। मछली का प्राण रहा, उसकी जान बची नहीं। एक रस विषय के चलते जिज्ञासा के चक्कर में फंस करके मछली अपने प्राण को गंवा दी, अपनी जान को गंवा दी। सब लोग जान रहे इस बात को। सज्जना, आप सब विषय की प्रबलता हिरण्य के अंदर में रहती है। सब विषय की प्रबलता, हिरण फंसाने वाला क्या करता, जंगल जाता है, थोड़ी सी धरती पर गरी ले करके केला को गाड़ देता है, केला के पौधा को गाड़ देता है और बारा बजाना शुरू करता है। बारा की आवाज सुनने में हिरण इतना मशगूल हो जाता है ना, इतना मशगूल हो जाता है हिरण, सुनते 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 आता वहीं पर जहाँ पर केला का थाम भरा हुआ है, बस उसके ऊपर अपने शरीर को अड़ा देता है, टिका देता है। दरी तो कमली हुई है, केला का थाम गला हुआ है, सब सुनने में इतना मशगूल हो जाता है हिरण, इतना मशगूल हो जाता है, शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। जैसे उस पर शरीर को टिकाता है, दरी तो कम लिया हुआ, केला का थाम घूरता है, उसके साथ साथ वो भी गिर जाता है। कहा जाता है हिरण के पैर में जोर नहीं होता है, जैसे हम आपका एक पैर मुड़ जाता स्वाभाविक रूप से, वैसे उनका नहीं मुड़ता, स्वाभाविक रूप से नहीं मुड़ता। उनको सोना होता है, कुछ वृक्ष की ओर में जाकर के सोता है, या जहाँ पर बड़ा बड़ा अड्डा होता है वहां पर जाकर के आराम करता है, खड़े खड़े सो रहता है। एक बार गिर जाने के बाद जल्दी उसके लिए उतना बड़ा मुश्किल होता है। जब हिरण गिर जाता है तब हिरण फंसाने वाला जाता है, हिरण के अंदर में कस्तूरी रहती है, उसको मार करके कस्तूरी निकाल लेता है। सब विषय की प्रबलता, सब के चलते उसका प्राण चला गया, उसकी जान चली गई। या धर्म ग्रंथ में हिरण के चमड़ा की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। अगर उसके चमड़ा पर बैठ करके कोई ध्यान भजन करे तो सिद्धि जल्दी मिलती है। हिरण के छाप, उनके शरीर का छाल चमड़ा जो होता है, ऐसा माना जाता है प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग जो हिरण का छाल होता था उसी पर बैठ करके ध्यान तपस्या करते थे, तो मार करके हिरण के छाल को नहीं लेते थे। जो स्वाभाविक रूप से हिरण मर जाता था ना, उसका छाल ले करके तब उस पर बैठ करके ध्यान करते थे। मृग चर्म की बहुत विशेषता धर्मग्रंथ में बतलाई गई। सज्जनों, हिरण फंसाने वाले हिरण के अंदर से कस्तूरी को निकालता ही है, उनके शरीर का छाल भी छील लेता है। सब विषय की प्रबलता में देखिए, उसकी जान चली गई ना, उसकी जान चली गई, हिरण की जान चली गई। सज्जनों, स्पर्श विषय की प्रबलता, ये 5वां विषय है। स्पर्श विषय की प्रबलता हाथी के अंदर में होता है। हाथी फंसाने वाला क्या करता है, जंगल में जाता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है, काठ की हथनी को घरे से बना करके ले जाता है। काठ की हथनी मतलब लकड़ी की हथनी पहले से बना करके ले जाता है, गड्ढा खोद करके गड्ढा के ऊपर घास फूस दे देता है ताकि हाथी को पता नहीं चले कि यहाँ पर गड्ढा है। बढ़िया से घास फूस दे देता है और वहां पर काट की हथनी को रख देता है। रात्रि काल में जंगली हाथी निकलता है, देखता है कि वहां पर हथनी है तो हाथी धीरे धीरे हथनी के पास जाता है। असली हथनी है वो नकली है, न काट की हथनी है। वो वहां पर आता है, जब वहां पर है तो बगल में गड्ढा है, गड्ढा में गिरता है, बस उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शरीर भारी होता है, गड्ढा बड़ा होता है, उसमें वो गिर गया। अब हाथी फंसाने वाला दूसरे दिन क्या करता है, काट की हथनी को लेकर के घर चला जाता है। उसको कई दिनों तक भूखे प्यासे उसी गड्ढा में छोड़ देता है। जल्दी आती है, जल्दी उसको पकड़ भी नहीं सकता है। जब हम जंगल में जाते थे हरिद्वार के जंगल में, एक बार मोती चूर एक स्थान स्टेशन है ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में है, तो सज्जनों वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ पर गए थे लाठी काटने के लिए। जिस गुरुजी के पास हम पढ़ते थे ना, संस्कृत वृद्ध थे, उनको बोले थे कि लाठी काट के जंगल से देना। शहर में जाते थे, जंगल गए थे लाठी काटने के लिए, तो वहां के जंगली आदमी उनको बोले थे कि देखिए आज ही जंगल में एक बूढ़ी माता को जंगली हाथी ने पकड़ लिया, उनकी एक पैर को नीचे किया, दूसरे पैर को सूर से उठा करके बिच्छे बीच चीर दिया। तो हाथी जंगली तो बड़ा दुष्ट न होता है, अगर किसी को पकड़ लिया तो उनके चक्कर में फंस गया तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जल्दी नहीं निकल पाता है, इसलिए जल्दी उसको कोई पकड़ता नहीं है। अब पकड़ने का यही ढंग है। सज्जना कई दिनों तक वो भूखा प्यासा रहता हाथी पकड़ने वाला, फिर बाद में उसको अपनी जुक्ति से गड्ढा से निकालता है। और करता है क्या, हाथी के मुंह में बड़ा बड़ा दांत होता है, लाखों रुपया में बिकता है। एक तो राजा महाराजाओं की सिंहासन में लगाया जाता है, उनके यहाँ दर्शन के लिए रखा जाता है, उनके मुकुट में लगाया जाता है। सज्जनों हाथी फंसाने वाले हाथी को मारकर हाथी का दांत तोड़ लेता है, हाथी का दांत तोड़ लेता है। सज्जनों आप देख लिए ना, संसार रूपी समुद्र का जो जल है, पंच विषय, ये कितना बड़ा भयंकर है। एक एक विषय की प्रबलता एक एक जीव के अंदर में है, उसके चलते उसका प्राण चला गया, उसकी जान चली गई। महापुरुषों ने कहा मनुष्य शरीर के अंदर में पांचों विषय की प्रबलता है। सज्जन तब भी हम आपकी जान अभी तक नहीं गई है, तो परमात्मा को धन्यवाद दीजिएगा। परमात्मा की कृपा, उन्हीं की कृपा से भी तक हम नहीं मरे हैं, न तो एक एक विषय की प्रबलता एक एक जीव के अंदर में है, उसके चलते उसका प्राण चला जाता है। और हम आपके अंदर में पांचों विषय की प्रबलता है। हम लोग तो गलत गलत रूप को भी देखना चाहते हैं, बढ़िया रूप को देखकर कल्याण हो जाए। गलत गलत रूप को भी देखना चाहते हैं, गलत गलत सुनना भी चाहते हैं, गलत गलत चखना भी चाहते हैं, गलत गलत सुनना भी चाहते हैं, गलत गलत स्पर्श भी करना चाहते हैं। सब कुछ तो गलते करने का मन कर रहा है, बढ़िया तो किसी का मन न करता करने का। देख लीजिए ना कितना बड़ा गांव है, अब बढ़िया करने के लिए कितने लोगों का मन हुआ तो यहाँ तक आ गए। घटिया करने वाले की कितनी संख्या है। अगर गांव के सारे लोग एक जगह हो जाए तो लाखों हजारों की संख्या में हो जाएंगे, हजारों लाखों की संख्या में हो जाएंगे। लेकिन सत्संग के नाम पर कितने लोग आए, धर्म के नाम पर कितने लोग जमा हुए, बिरले कोई सहायता करने वाले। तो गलत कर्मों को करने की इच्छा तो सबों को होती है, अच्छा करने की इच्छा तो कभी कभी किसी को होती है। जैसे हम लोगों को हुई अभी। तो सज्जन महापुरुषों ने कहा मनुष्य शरीर के अंदर में 500 विषय की प्रबलता होती है। ये मनुष्य 500 विषयों को भरपूर मात्रा में भोगना चाहता है, तब भी ये जिंदा है। तो मान लो इनके ऊपर प्रभु परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, परमात्मा की कृपा से जिंदा है। तो सज्जनों, शंकराचार्य महाराज ने अपने शिष्यों को कहा था ये 500 विषय जो संसार रूपी समुद्र के जल है, महान भयंकर विष है, महान भयंकर विष है। उनका विषपान कर रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से बसे हुए, नहीं तो विष पान करने वाला जब मर जाता है, कुछ ही समय में मर जाता है। तो सज्जना, सदगुरु महाराज जी ने तो पंच विषयों को संसार की समुद्र का जल बतलाया, लेकिन सूरदास जी महाराज की वाणी में आप लोग क्या सुन रहे थे कि संसार समुद्र है, तो संसार की समुद्र का जल क्या है? सूरदास जी महाराज कह रहे थे नीर अति गंभीर माया, नीर अति गंभीर माया। सूरदास जी महाराज कहते हैं संसार रूपी समुद्र का जल नीर माया है। नीर मतलब क्या होता है? पानी ना होता है। नीर अति गंभीर माया। सूरदास जी महाराज कहते हैं संसार रूपी समुद्र का माया बड़ा गहरा जल है, माया बड़ा गहरा जल है। सज्जनों, माया किसे कहते हैं? लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से वनवास काल में कई प्रकार के प्रश्नों को किया था, उसमें से एक प्रश्न था माया क्या है। इस पर परमात्मा श्री राम ने कहा था गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। भगवान श्री राम ने कहा था भाई लक्ष्मण सुनो, जहां तक दृष्टि जा सकती है, जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, जहां तक मन जा सकता है, वो सब के सब माया है, वो सब के सब माया है। सज्जनों, स्थूल संसार में हम आपकी दृष्टि जहां तक जाती है, मन वहां तक जाता है, दृष्टि के पीछे पीछे मन चलता है। ये तो स्थूल संसार की बात रही, स्थूल दृष्टि की बात रही। फिर साधक अपने भीतर में सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करता है, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करता है। तो दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके, सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करके भी आप जहां तक देखते हैं, जहां तक के दृश्य आपको देखने में आते हैं, वो सबके सब माया है, सबके सब माया है। सज्जनों, जहां तक दृश्य को देखे, जहां तक हम आपकी दृष्टि सूक्ष्म जगत में गई, वहां तक हम आपका मन गया, वहां तक हम आपका मन गया। सज्जनों, समाज में आप समझ लीजिएगा, आंख बंद करते भीतर में अंधकार मालूम पड़ता है। भीतर का अंधकार माया का स्थूल पर्दा है, भीतर का प्रकाश और शब्द माया का सूक्ष्म पर्दा है, माया वो भी है। भीतर का अंधकार, भीतर का प्रकाश और शब्द, बस अंतर इतना जरूर है। भीतर का अंधकार अविद्या माया का प्रतीक है और भीतर का प्रकाश और शब्द विद्या माया का प्रतीक है। परमात्मा श्री राम ने लक्ष्मण जी को करने कृपा की थी, भाई सुनो और माया का भेद तुमको बता रहा हूं, माया का दो भेद होता है। तेहि कल भेद सुनाओ तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। माया का दो रूप होता है, विद्या माया और अविद्या माया। सज्जनों, याद रखिएगा, भीतर का अंधकार अविद्या माया और भीतर का प्रकाश और शब्द विद्या माया। और दोनों का स्वरूप परमात्मा श्री राम ने बताया, कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा भव कूपा। परमात्मा श्री राम का तो वो एक दुष्ट अविद्या माया इतनी दुष्टा है, इतनी दुष्टा है कि जीव को अपने चक्कर में लेकर के संसार के कुआं में गिराती है। संसार को कुआं भी कहा महापुरुषों ने, कहा संसार के कुआं में जीव को गिराती है वो अविद्या माया है। और एक रसई गुणवश जाके प्रभु प्रेरित नहीं निर्बलता की। कहा वो एक विद्या माया है जिसके चलते संपूर्ण संसार का निर्माण होता है। परमात्मा के समीप रह करके, परमात्मा से शक्ति पा करके विद्या माया संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। तो परमात्मा श्री राम ने कहा ये दो माया है, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया के चक्कर में पड़ करके जीव संसार रूपी कुआ में गिरता है और जो विद्या माया संपूर्ण संसार को रचती है, अगर साधक को ये पकड़ा चला जाए या प्रकाश और शब्द पकड़ा चला जाए जीव को, तो इसके सहारे जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है। तो सज्जनों, यहाँ विद्या माया की बात नहीं है, अविद्या माया की बात है। महापुरुष कहते हैं अविद्या माया क्या है? संसार रूपी समुद्र का जल है, जिसके चक्कर में जीव पड़ करके संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी कुआं में गिरा हुआ है। और याद रखिएगा, संसार में रहने वाले जीव को, जिस संसार में हम आप हैं, इस माया में रहने वाले जीव को, संसार रूपी समुद्र में रहने वाले, माया रूपी जल में रहने वाले जीव को किसी को चैन मिल सकता है, किसी को सुख है, किसी को सुख नहीं है। यहाँ पर छोटे से लेकर के बड़ों तक को आप देख लीजिए, किसी का जीवन सुखमय नहीं है, किसी का जीवन सुखमय नहीं है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने दूसरी वाणी में और दूसरे शब्दों में कहने की कृपा की संसार के लिए। सदगुरु महाराज जी ने कहा यह परदेशवा काल को भेषवा अजोरे आवे दुख पाई। गुरु महाराज ने सबके लिए कह दिया। क्या कहा? जीवात्मा के लिए संसार एक प्रदेश के समान है और यहाँ पर जो भी आते हैं सबको दुख होता है, कोई दुख से नहीं बच सकते हैं। हम आप रामायण को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते, पता होगा आप लोगों को। रामायण को पढ़ने वाले जानते होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम संसार में आए अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन जीवन उनको कभी सुख मिला? जीवन में कभी उनको सुख नहीं मिला। रामायण को पढ़ करके देख लीजिए, कभी उनको सुख नहीं मिला। सज्जनों, परमात्मा श्री कृष्ण के लिए हम लोग भागवत महापुराण में पढ़ते हैं। देखिए, भागवत महापुराण को पढ़ करके कृष्ण भगवान को जीवन में कभी सुख मिला? जब बच्चे थे तब कंस राक्षस को भेद करने कितना उनको सताया गया, कितना लोग परब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, इसलिए सभी संकटों से बचते चले गए, सभी संकटों से, सभी दुखों से बचते चले गए। सज्जनों, अंततो गत्वा परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण के सामने में आपस में लड़ करके 56 कोटि जदवंशियों का नाश हो गया। उनके सामने में उनके ही परिवार के लोग, बेटे भतीजे सब आपस में लड़ करके सब मर गए, 56 करोड़ जदवंशी का नाश हो गया। सज्जनों, अंततो गत्वा स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को एक व्याध पैर में बाण मारा और उसी बाण से उनका देहांत हो गया। जानते ना आप लोग, ये भगवान है, उनको देखिए कितना संकट जीवन में आया। भगवान शंकर भस्मासुर के चक्कर में मर गए थे, उनका हालत खराब हो गया था। अगर भगवान विष्णु को नहीं बचाते ना, उनकी स्थिति खराब थी, उनकी स्थिति खराब थी। वो भी डर डर के हमारे पीड़ित ने कितना को कष्ट हुआ। जब ऋषि मुनि के जीवन को पढ़ेंगे, संत के जीवन को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनको भी संसार में भारी कष्ट हुआ। संत कबीर साहब के कबीर कसौटी को पढ़िएगा। सिकंदर लोधी ने संत कबीर साहब को 72 तरह से दुख पहुंचाने का प्रयास किया था, 72 तरह से कष्ट दिया। प्रहलाद के लिए आप लोग जानवे करते हैं, संत पलटू साहब को दुष्टों ने जीवित आग में झोंक दिया, मंदाविर को टावा पलटा करके तरवा बना दिया, सजा दिया। इतना ही नहीं किया, मंदाविर को टावा पलटा करके दुष्टों ने उनको तो सीधा रहा ही था, साथ साथ मंदाविर के पुत्र को मारकर उनके शरीर से कलेजा निकालकर चिमटा से मंदाविर के मुंह में देता था। देख लीजिए कितना दुष्ट ने उनके साथ व्यवहार किया है। ये संत है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य हैं, उनके संप्रदाय में सिख संप्रदाय में रहे हैं, ये महान भक्त हैं। सज्जना आज उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, क्या दुर्व्यवहार हुआ है। ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया, सुकरात को विष का प्याला दिया गया, मीरा के लिए भी बात है, विष का प्याला पीने के लिए दिया गया। सदगुरु महाराज गोविंद रूम का झोपड़ी में ठहरा करके, जिस झोपड़ी में ठहराए थे उस झोपड़ी की आगे में आग लगा दिया था। रात में सोचे सो गए होंगे तो गेटे में आग लगा दिया, महर्षि में यहाँ कुटिया के अंदर में मर जाएंगे रात में। ऐसे समस्याएं थे। सज्जना संत लोग को भी संसार में सुख नहीं मिला है। महात्मा बुद्ध को पेचिस का रोग हो गया, शंकराचार्य महाराज को भगंदर का रोग हो गया, राम परमदेव जी महाराज को कैंसर का रोग हो गया। ये सब संत है ना, संसार में है तो सुख चैन है इन लोगों को। भले भक्ति करनी है, सामर्थ्य है, शक्ति है, दुख का प्रभाव उनको नहीं हो रहा है, दुख उनको दुखी नहीं कर रहा है, लेकिन संसार में दुख से बच नहीं पाए हैं। समाधि में होंगे तब तो दुख का अनुभव नहीं होता होगा, जब समाधि से उतरते होंगे तो दुख तो होता ही होगा। सज्जना जब ब्रह्मांड में रहते होंगे ना तब तो दुख का अनुभव नहीं होता होगा, और जब पिंड में आते होंगे तब दुख का अनुभव होता होगा। महापुरुषों ने कहा जब साधक समाधि की अवस्था में रहता, अपने आप को पिंड से निकाल करके ब्रह्मांड में लेके चला जाता है, तब क्या शरीर में हुआ, कोई मारा या कोई बीमारी हो गई, इसका अनुभव उनको नहीं होता है। और जब पिंड भाग में आता है ना तो उनको भी कष्ट होता है, उनको भी दुख होता है। सज्जनों ये सब महापुरुष हैं, संसार में थे, भगवान अवतारी पुरुष से लेकर के संत तक इनको कष्ट हुआ, तो हम आपको कष्ट नहीं होगा। हम आपके भी जीवन में बहुत प्रकार का कष्ट है। महापुरुषों ने कहा सदगुरु महाराज ने कितनी कृपा की है, जीवात्मा के लिए संसार की समुद्र प्रदेश है, और जो यहाँ पर आया है सबको कष्ट हुआ है। बिना कष्ट से कोई नहीं बच पाए, सबको कष्ट हुआ, सबको दुख हुआ। तो सज्जना आप लोग समझ रहे ना, संसार समुद्र है, संसार की समुद्र में जल क्या है। गुरु महाराज जी के अनुसार पंच विषय जल है। अब 500 विषय का स्वरूप में आप लोगों को बतलाया। सूरदास जी महाराज कहते संसार की समुद्र में माया जल है, फिर इस जल का क्या प्रभाव है, यहाँ आने वाले को क्या होता है, सो में आपको बतलाया। माया क्या है सो में आपको बतलाया। सज्जना समुद्र में और कुछ होता है ना, समुद्र के तट पर आप जाएंगे ना, समुद्र में आपको ढेव देखने को मिलेगा, तरंगे देखने को मिलेगी। तरंग क्या है, ऋषिवाद के ऋषि कहते हैं हिंसादी तरंग, हिंसादी तरंग। हिंसादी तरंग का मतलब समझते हैं हिंसा। यहाँ पर जो हिंसाएं होती है, जीव को मारा जा रहा है, एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है, ये क्या है का संसार की समुद्र में जो माया जल है ना उसकी तरंग, यही है हिंसा। हिंसा उसकी तरंग है। आप जो दूसरे जीव को मार रहे हैं, उसका वध कर रहे हैं, यही एक तरंग है माया की जल का। असल जना इस तरंग का भी बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ता जीव के ऊपर। आप जिस जीव की हिंसा करेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा, मौका ऐसा आएगा, समय, वो जीव भी आपकी हिंसा करेगा। जिस जीव का आप वध कर रहे हैं ना, किसी भी कारण से आप किसी का वध कर रहे हैं, किसी की हिंसा कर रहे हैं, वे भी आस देख रहा है हमको कब अवसर मिलेगा, हमको कब मौका मिलेगा कि हम भी इसका वध करूंगा, हम भी इसको मारूंगा। संत कबीर साहब की वाणी में है, कहता हूँ कहीं जाता हूँ, काज मान हमार जाका गर तू काटियो, फिर काट सो फिर काट तोरा। संत कबीर साहब कहते हैं जिसकी गर्दन आज काटी जा रही है, वे भी एक दिन उसकी गर्दन को काटेगा जो उसकी गर्दन को आज काट रहा है। मैंने पुराण में पढ़ा था, जितने जीव को बद्ध किया जाता है, मारा जाता है, सारे जीव अंतरिक्ष में जाकर के आंस देखता रहता है, कि हमारी बारी कब आएगी, जो हमको मारा हम हमको मारेंगे, हमारी बारी कब आएगी, वो आंस देखता रहता है। मैंने एक प्रसंग पढ़ा था कल्याण में। एक बार एक दंपति एक धर्मशाला में जाकर के ठहरा, कच्चा धर्मशाला था, मतलब फूस का घर था, अब फर्श सब इसका बना होने के सब मिट्टी वाली, पुराने जमाने की बात है। उसमें जाके ठहरा, रात बीती उनकी, दिन में उनके साथ में छोटे बच्चे थे, उनको धर्मशाला के आंगन में लिटा करके, बच्चा सो गया था, हमको सुला करके, दोनों दंपति धर्मशाला के बगल में ही बाजार था, बाजार चले गए। बच्चा को तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सोचे सो गए तुरंत आ जाएंगे, इस ख्याल से दोनों चले गए। इसी बीच में देखिए क्या घटना घटती है। इसी बीच में धर्मशाला के बगल में एक जंगल था, उस जंगल से एक सर्प निकल करके आ गया, बड़ा विषैला सर्प था, भयंकर सर्प था। आगे निकल करके बच्चा के पास बहुत जोर से उपकार मार रहा था, बच्चा की नींद टूट गई। सज्जन, बच्चा देखा सांप को देखने में बढ़िया लगा, फॉर्म जोड़ा हुआ था ऐसे, बच्चा है ना, बच्चा को डर नहीं लगेगा सांप से, आग से सांप से बच्चा को डर लगता है नहीं लगता है, पानी से भी डर नहीं लगता है। सांप को देखा तो देखने में बढ़िया फन लगा, पर चमकदार था, स्टैंडर्ड का भी था, कोई कोई सांप बढ़िया हो तो उसका फोन बढ़िया होता है, देखने में अच्छा लगा। तो बच्चा हो रोने के बदला सांप से खेलने लगा, और सांप भी नहीं काट रहा है। कच्चा धर्मशाला था, वहां पर मिट्टी थी, खेलते खेलते बच्चा थोड़ा दूर निकल गया, बिछावन से नीचे उतर गया, मुट्ठी में मिट्टी ले लेता था और सांप के फोन पर फेंक देता था। सांप भी कैसा था, उस मिट्टी को स्वीकार कर लेता था, अपने फन को नीचा कर लेता था। कुछ देर के बाद बच्चा के माता पिता आ गए, देखते हैं बच्चा के पास तो सांप है, भयंकर सांप है, बड़ा विषैला सांप है। माता पिता का तो भितरी सूखने लगा, भितरी सूख रहा तो सांप के पास जाएगा। याद रखिएगा, अपनी जान बचाने का प्रयास सब करता है, भीतरी तो सूख रहा, डर तो लग रहा कि बच्चा को सांप काट लेगा, लेकिन बहुत अगर प्यारा हो बच्चा जाकर के ले लो, हिम्मत है ले लेगी। याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चा से ज्यादा प्यारा प्यारी उनकी जान है, बच्चा से ज्यादा प्यारी उनकी जान है। याद रखिएगा आप लोग इस बात को, इसका अनुभव भी नहीं होगा, जब आपका जीवन संकट में पड़ेगा ना तब होगा। मैं बहुतों को देखा गंगा में डूबते हुए, बहुतों को देखा गंगा के तट पर बरसों रहा, पूरे परिवार के लोग इस पार से उस पार नाव पर बैठ करके नदी में जा रहे। जब नाव डूबने लगती है ना, तब सब अलग हो जाते हैं, कोई किसी को नहीं पकड़ते हैं। उसी में देखा जाता है सब अपनी अपनी जान को बचाने के चक्कर में, माँ है बाप है सब अलग अलग हो जाते हैं। सबको होता है हम पकड़ेंगे ना वो डूबना, हमको भी डुबा देगा, इस ख्याल से सब अलग अलग हो जाते हैं, कोई नहीं जाते हैं उनके साथ में। सज्जनों, यहाँ पर दंपति आए, देखिए बेटा के पास में सांप है, सांप देख रहे हैं, बच्चा के पास में सांप है। अगर जान से भी ज्यादा प्यारा बच्चा हो तो चले ना बच्चा के पास, तब ना देखेंगे। सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, सत्संग सुधासागर में पढ़िएगा, बंगा का प्रवचन है कि एक महिला को भूख लगी न, अपनी जान बचाने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए, गोद में बच्चा था, दूध पीने वाला बच्चा था, उसको भूरा में पका करके खा गई, आग में पका करके खा गई। जल्दी ये सब बात किसी को विश्वास नहीं होगा। सज्जनों, जीवन में घटना घटेगी ना तब आपको पता होगा, अभी नहीं ऐसा अवसर आएगा ना, ऐसा मौका आएगा ना तब आपको पता चलेगा, अभी पता थोड़ा चलेगा, अभी इसको आप फालतू समझ लीजिएगा। सज्जनों, अगर दंपति को बच्चा बढ़िया लगता तो सब न जाते, सांप को उनकी गर्दन पकड़ करके फेंक न देते या उनको मार न देते। सब नहीं रहे हैं और दूरे से देख रहे कि बच्चा के पास में सांप है और सांप को बार बार ये मार रहा है मिट्टी से, मिट्टी उठा उठाकर उनके पेट पर डाल रहा है। सांप ऐसा है काट नहीं रहा है। बहुत सारे लोग जमा हो गए, उसमें एक निशाना वाला था आदमी, उनका व्यवसाय था टमटम चलाना, घोड़ा गाड़ी चलाता था, उनका निशाना बड़ा पक्का था। वो भी आया वहां पर। टमटम वाले कहते हैं बच्चा के माता पिता को हमारा निशाना बड़ा पक्का है, हम एक ही बार में सांप को मार सकते हैं, हो सकता है होश जाए, बच्चा को चोट लग जाए तो आप लोगों को दुख नहीं होगा, बच्चा भी बेहोश हो सकता है, मारेंगे जोश ना मारेंगे, बच्चा भी बेहोश हो सकता है। अगर आप लोग दुख नहीं मानिएगा तो सांप पर निशाना बनाएंगे, लगेगा तो सांप को भूल चूक में लग जाए तो माफ कीजिएगा। तो बच्चा के माता पिता की मनवा से सांप काटिए लेगा, ये मार देगा बढ़िया ना, बच्चा को चोटे नहीं लगा, फिर बात ठीक हो जाएगा। सांप काटे तो ठीक नहीं ना होगा, आधे दिन अच्छी का निशाना लगाइए। टमटम वाले निशाना लगाए, निशाना उसका बड़ा पक्का था, एक ही बार में सांप को मार दिया। सांप बेहोश हो गया, बिल्कुल मूर्छित हो गया, सुगबुग कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल अचेत पड़ा हुआ है। सभी लोगों के मन में हुआ है कैसा निशानाबाज है, एक ही बार में सांप को मार दिया। उसको लाठी पर उठाया और कुछ देखा सुना ने जंगल में फेंक दिया। अब पूरा मरा नहीं था, बेहोश हुआ था, जंगल में फेंक दिया। सज्जना दिन बीता, उस दंपति को रात में वहां पर ठहरना था। दिन बीता, फिर रात्रि काल हुई, रात में शीत गिरा, जो सांप बेहोश था न ठंडा में, फिर वो ठीक हो गया। जो निशाना बनाकर उसको मारा था टमटम वाले, उसको देख लिया था वो सांप, विशेला सांप था ना। कहा जाता है अगर मारने वाले को सांप देख ले उसका फोटो उसकी आंख में आ जाता है, तब वो कितनों आदमी के बीच में सोया रहेगा ना, किसी को नहीं काटेगा सांप, उसी को जाकर के काटेगा। अगर वो सांप को छोड़ देंगे जैसा होगा आपके जीवन में। सज्जनों, एक तो मारना ही नहीं चाहिए, अगर मरो करके छोड़ दिए तो सांप काटेगा आदमी का, अगर आपका फोटो उसकी आंख में चला गया हुआ तब। सज्जनों, रात में वो सांप जंगल से निकलता है, टमटम वाले दुकान में कुछ खा पी करके उसी धर्मशाला में टमटम लगा करके अपना टमटम पर सोया हुआ था। सांप उधर से निकला और सीधे टमटम पर चला गया। टमटम वाला टमटम पर सोया हुआ था, उसके पैर में जाकर के डस लिया, फिर जंगल चला गया। सुबह हुई, टमटम वाले के मुंह से फेन सब निकला हुआ, मरा हुआ था। बहुत लोग आ गए देखने के लिए, देखने के पैर में तो सांप काटा है, सबको अंदाजा लग गया, लगता वही सांप इनको काटा होगा, जिस सांप को ये मारा है। सब अंदाजा लगाने लगा वही सांप। समझो देखिए विधाता की क्या लीला है। एक सर्व विद्या जानने वाले जो उसी बाजार में थे वो भी आ गए वहां पर। अब वो कहता है हम इसको जीवित कर सकते हैं, सर्प की विद्या हमको आती है। याद रखिएगा, गंगा के तट पर रहने वाले को इस बात का पता होता है, किसी को अगर सांप काट लेगा ना उसको जलाएगा नहीं, केला का थाम बना लेता है, जिनको सांप काटा उसी थाम पर उसको सला करके पानी में भसा देता है। कभी ऐसा होता है जो सांप उनको काटा है उससे भी कोई विषैला कोई जीव हो पानी में, अगर वो उसको काट ले ना तो फिर वो जीवित हो जाए। इसलिए नदी के तट वाले आदमी जो है ना, महाभारत में ऐसा लिखा भी है, पानी में प्रवाहित करने पर वो सांप काटने वाले आदमी जीवित भी हो सकता है। सज्जनों, गंगा के तट वाला ऐसा ही करता है। तो सर्व विद्या जानने वाला का इसको हम जिंदा कर देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को लगभग 11 वर्ष के एक बच्चा को लाना होगा। लड़का को लाना होगा जिनका हृदय बड़ा शुद्ध हो पवित्र हो, उसके शरीर में हम सांप की आत्मा को प्रवेश करें। पहले उसको पूछेंगे कि टमटम वाले को तू क्यों काटा, पहले पूछेंगे टमटम वाले को क्यों काटा, का ठीक है। तो वहां पे कोई था लड़का, उनकी सब लोग जानते थे सबका ना ये लड़का बढ़िया, ये लड़का बढ़िया है, का ठीक है, इन्हीं को खड़ा कीजिए। उनके शरीर में सांप की आत्मा को शक्ति दिया जाने वाला बुलाया। उनके शरीर में जब आएगा, जैसे तांत्रिक सब भूत को नहीं ले आता किसी के शरीर में, उसी तरह से सज्जना चित्रकेतु का बेटा मर गया था, चित्रकेतु की रानी ने उनको विष देकर के मार दिया था, जानते हैं आप लोग। चित्रकेतु राजा रानी दोनों मिल करके बहुत रो रहे थे, नारद जी की रानी सी गए थे, बहुत उन्होंने विनय किए, उस बच्चा की आत्मा को दोबारा बुला करके उस शरीर में प्रवेश करा दिए थे। अब बच्चा से बैराग की बात सुनवा दिए थे, तब राजा चित्रकेतु को बैराग लगे। बच्चा कहा था कौन किसकी माँ है, कौन किसके पिता है, हम थोड़े समय के लिए इसका बच्चा बन के इतना हमारे लिए रो रहे हैं, ये हमारे बार हमारे कितने बच्चे बन गए, कितनी बार हमारे बच्चे बन गए, इनको कोई वसे नहीं है, ये बार हम मन के जितना हमारे लिए रो रहे उसी में उनको बेहाल हो गया था। राधे के द्वारा संसार में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे से कुछ समय के लिए मिलते हैं, बाद में सब बिछुड़ जाते हैं। तो सज्जना जब सर्प की आत्मा उस लड़का के अंदर में प्रवेश करा दिया ना, तब वो सर्व विद्या जानने वाले आदमी पूछते हैं कि तुम टमटम वाले को क्यों काटा। तब सर्प की आत्मा कहती है मैं टमटम वाले का क्या बिगाड़ा था जो टमटम वाला हमको मारा। याद रखिएगा, टमटम वाले का हम क्या बिगाड़े थे कि हमको निशाना बना करके मारा, हम बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, जंगल में जाकर के फेंक दिए, क्या बिगाड़ा थे उनका। सर्प विद्या जानने वाले ने कहा हम बच्चा के पास में थे, हम बच्चा को काट देता, कब बच्चा को काटते नहीं ना। सुनिए, बच्चा का मैंने कर्ज खाया, सर्प वाला जीवन में कर्ज नहीं खाया हूं। इससे पहले 3 वर्ष पहले लगभग मैं भी मनुष्य के शरीर में था और ये भी बच्चा मनुष्य के शरीर में था। हमको 300 रुपए की जरूरत पड़ी थी तो मैं इनसे कर्ज लिया था। सांप की आत्मा कह रही मैं इनसे कर्ज लिया था, कर्ज चुका नहीं पाया, कर्ज खाकर के मर गए, उसी पाप के चलते हम सांप की जोनी में आ गए। कोई नहीं कर्ज खाकर के मरिए, स्थिति खराब हो जाएगी। कर्ज खाकर के मरे थे इसीलिए सांप की जोनी में आ गए। बच्चा यहाँ पर आकर के दूसरी बार मनुष्य शरीर में आया, फिर मर करके अपने माता पिता के साथ यहाँ धर्मशाला में आया, तो मैं यहीं पर जंगल में था, ये शायद हमको आभास हो गया जिसका मैं कर्जा खाया था वो यहाँ पर आया हुआ है, मैं माफी मांगने के लिए यहाँ पर बच्चा के पास में आया। बच्चा हमको माफ कर देंगे ना, हम सांप की जोनी से छूट जाएंगे। तो बच्चा के पास में फेंक जोड़ करके था, देख रहे थे ना, बच्चा बार बार मिट्टी उठा करके हमारे फेंक पर फेंक रहा था, मैं अपने फन को नीचा कर रहा था, बच्चा को काटता था, मैं सिर को नीचा करके बार बार क्षमा मांगता था कि क्षमा कर दो। मनुष्य के शरीर में रहते तो तुमको पैसा दे देते, अब तो हम सांप के शरीर में हैं, तुमको हम पैसा कैसे देंगे। तो बार बार सिर को नीचे करके उनकी मिट्टी की मार को सकर उनसे हम क्षमा मांग रहे थे। लेकिन इस टमटम वाले का मैंने क्या बिगाड़ा था जो हमको मार दिया, इनको तो नहीं मारना चाहिए। सर्व विद्या जानने वाले कहते हैं देखो तू बच्चा के पास में था ना, तो बच्चा के बचाने की ख्याल से ऐसा वो किया, उनका बीज तुम खींच लो जिंदा हो जाएगा। कहा अच्छा ठीक है, बीज खींच लेंगे, लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा। बच्चा का 300 रुपया हम लिए थे, लगभग 3 वर्ष हो गए। आप सभी लोग मिल करके 500 रुपया सूद ब्याज जोड़ करके 500 रुपया बच्चा के माता पिता को दे दीजिए। तब हम सर्प के शरीर में जाकर के इसका बीज खींच लें, ये जिंदा हो जाएगा। सब लोग तैयार हो गए। जब 500 टका में टन वाला जिंदा हो जाएगा तो कौन ले लेगा? कोई भी आदमी ले लेगा। लोग तुरंत तैयार हो गया। 500 रुपया उनके माता पिता को दिया, बच्चा के माता पिता को। वहाँ को तमाशा लग गया था, कल्याण हमेशा निकला था, सब जना तमाशा लग गया था। वहाँ बहुत भीड़ थी। तब उस लड़का के अंदर से सब की आत्मा निकली और सर्प के शरीर में गया। जो उनका शरीर था पहले से, उसमें गई वो आत्मा। फिर सर्प आया, सबके देखते देखते टमटम वाले को जहाँ पर काटा था वहीं पर मुंह भिगा करके उनके पूरे बीज को खींच लिया। फिर टमटम वाले जिंदा हो गया। ये प्रसंग क्यों मैं आप लोगों को सुनाया? देखे ना, बदला छोड़ा। टमटम वाले उनको मारा था, टमटम वाला को काटा ना। यहाँ पर संयोग बन गया, सर्प की विद्या जानने वाला था तो हमने इतनी बड़ी कहानी बन गई, इतना बड़ा प्रसंग बन गया। होना भी चाहिए लोगों को समझाने बुझाने के लिए। सज्जना जाका गर तो काटियो सो फिर काट तोहार, ऐसा संत कबीर साहब कहते हैं। आप जिसकी गर्दन को काटेंगे वे भी आपकी गर्दन को काटेगा। आप किसी भी ख्याल से काटिए। जमीनी विवाद के चलते काटिए या जिनकी हाँ स्वाद में पड़ लगी किसी गर्दन को काटिए। लोग तो वैसे जिज्ञास बना कर काटते हैं, मांस खाने के लिए। बकरा का वध करते हैं, बकरी का वध करते हैं, मुर्गा का वध करते हैं, मुर्गी का वध करते हैं, कबूतर का, तो मछली खाने वाले सब अलग कर रहे हैं। तो सज्जना ये हिंसा हो रही है। ये हिंसा है क्या? आप लोगों को पहले बता दिया, हिंसा तरंग। ये तरंग है, किसका तरंग है? संसार की समुद्र में जो माया जल है, विषय जल है, उसी का ये तरंग है। सूरदास महाराज क्या कहते हैं? सूरदास महाराज दूसरी बात बोल दी। सूरदास महाराज कहते हैं लोभ लहरी तरंग। लोभ कौन सा मनुष्य इसके अंदर में लोभ नहीं होगा? सूरदास महाराज कहते हैं लोभ लहरी तरंग। मनुष्य के अंदर में जो लोभ है, दूसरे की वस्तु को देख करके उनके मन में होता है हमारी वस्तु हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, हमारी वस्तु हो जाती तो अच्छा होता। लोभ, किसी की बढ़िया चीज को देख करके उसको पाने की इच्छा हो रही है, इसी का नाम है लोभ। सज्जना, संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, उनकी वाणी है, कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल हो। फिर संत कबीर साहब ने क्या कहा? कामी तो बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, लेकिन लोभी जियारा ना तरे, कहे कबीर भुरतन। लोभी का कभी किसी काम में उद्धार नहीं हो सकता है। संत कबीर ऐसा कर रहे हैं। हम आपके मन में जो लोभ प्रवृत्ति है ना, उस लोभ प्रवृत्ति को भीतर से निकाल दीजिए। ये लोभ क्या है? सूरदास महाराज के हृदय से उपनिषदकार ने कहा हिंसा तरंग है, वैसे सूरदास महाराज के लोभ लहरी तरंग। ये लोभ भी ये तरंग है, माया की जलवायु तरंग है। लोभ को निकाल दीजिए। आप अपना उद्धार चाहते हैं तो लोभ को अपने भीतर से हटा दीजिए। लोभ के रहते आपका कभी किसी काल में उद्धार होने वाला नहीं है, आपका कभी किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। सज्जनों, ऐसा कबीर कर रहे हैं, अपने भीतर से लोभ को हटाइए, लोभ लहरी तरंग। सज्जनों, और बात है, पानी में भंवर भी होता है। पानी के भंवर को देखें आप लोग। भंवर पानी के चारों तरफ से घूमता है, उसी को ना भंवर कहते हैं। और जो उस भंवर में फंसता है वो जल्दी निकल पाता है। सबको इसका अनुभव तो नहीं होगा, नदी के तट पर रहने वाले को इसका अनुभव होता है। जो एक बार उस भंवर में फंस जाता है, भंवर क्या करता है? घुमाते घुमाते फंसने वाले प्राणी को बिल्कुल पानी के अंदर स्थल तक लेकर चला जाता है। तब तक जो औना जाता है वो मर जाता है, उसका दम घोटने लग जाता है, वो मर जाता है। जो भंवर में फंस जाता है ना, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उस समुद्र में पानी में भंवर होता है। सज्जना संसार रूपी समुद्र में, पानी में, माया रूपी जल में, विषय रूपी जल में भंवर किया है। देखिए उपनिषदकार कितना बढ़िया बोल रहे हैं, तृष्णावर्तम। तृष्णावर्तम, तृष्णावर्तम का मतलब होता है कि संसार रूपी समुद्र में तृष्णा भंवर का काम करती है। भंवर का काम, जो पानी घूमता है ना, वो वाला काम तृष्णा करती है, तृष्णा भंवर वाला काम कर रही है। तृष्णा क्या है? वो भंवर। भंवर में फंस जाने पर जीव को निकालना बड़ा मुश्किल हो। सज्जनों, अब देखिएगा हम आपके अंदर में तृष्णा होती है कि तृष्णा किसको कहते हैं? कितनो होता है तो मन नहीं भरता है। जाओ 10, 20, 50, 62 वही 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब संग धरापति होने की साजिया दिया। ये सब जो मन में हो रही है ना, इसको कहते तृष्णा। यही तृष्णा भंवर का काम करती है, तृष्णा वर्तन। सज्जना, तृष्णा वाले आदमी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। जो भजने नहीं करेगा उसका कल्याण कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा? फिर महापुरुषों ने कहा, समुद्र के तट पर कीचड़ होता है। कभी आप लोग गए हैं समुद्र के तट पर या नदी के तट पर? देखे होंगे, नदी के तट पर, समुद्र के तट पर कीचड़ रहता है। यहाँ पर समुद्र के तट का कीचड़ क्या है? दलदल क्या है? कीचड़ में भी साधारण कीचड़ नहीं, दलदल। दलदल को आप लोग देखे हैं ना, दलदल में जो फंस जाता है उसको निकालना मुश्किल होता है ना। दलदल मिट्टी हिलती रहती है, उसमें आपका पैर धंस जाएगा ना, निकलने का प्रयास कीजिए खड़ा होकर के, तो धीरे धीरे आप अंदर ही चले जाइए। हाँ, निकलने का ढंग है, उसमें सोच जाइए, कैसे सो करके निकलिए तो आप निकल जाइएगा, लेकिन खड़ा होकर के निकलने का प्रयास कीजिएगा उसी में फंस जाइएगा। सच्चैनों प्रश्नकार कहते हैं, दलदल क्या है? दार पंकम। पंक का मतलब कीचड़ होता है, दलदल होता है। कहा समुद्र के तट पर का कीचड़ दलदल, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों दलदल में फंसे हैं। निकलना मुश्किल है कि नहीं? दोनों के दलदल से निकलना मुश्किल है। सज्जनों, इसी में जो जन्म जन्म के संस्कारी होता है ना, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के ईश्वर का भजन करते हैं, तो दलदल से दोनों निकल जाते हैं। लेकिन दोनों में से एक का भी संस्कार खराब होता है ना, तब दोनों में से एक को भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तुलसीदास जी महाराज के तरह अगर कोई जन्म जन्म के संस्कारी हो तो स्त्री रूपी दलदल से निकल जाता है, स्त्री के फटकार में निकल जाता है। जान रहे आप लोग, तुलसीदास महाराज स्त्री के फटकार में निकलिए गए, भगवान का भजन करने के लिए चले गए, लेकिन यहाँ पर दिन रात फटकार लगाती रहती है, निकलो निकलो, तो निकल पाता है लोग? कब तुम्हारी जरूरत नहीं, हमको बच्चा हो गया, बच्चा हो तुमसे जरूरत था, अब हमको जरूरत नहीं, जाओ ना, जाओ खेलो धूप, लेकिन निकल सकेगा वो? नहीं निकल सकेगा। एक पति तो अपनी पत्नी को बार बार कहता रहता था, तू बहुत भज भज करती है, छोड़ करके चल जाएंगे ना, तब सब भज भज निकल जाएगा। आपस में जो झगड़ा होता था, बार बार तुम साता रहता था। उनकी पत्नी दीक्षा ली हुई थी, उनको डर होता था पति कहीं चले जाएंगे, कुछ कह देंगे तो हम अकेले न हो जाएंगे, पति के बिना तो सुना संसार होता है, कृष्णो है तो पति न है, मन उनको होता था। जब उनके गुरु महाराज जी आश्रम में आए न, उनके घर आश्रम, उनके घर पर आए, तब रो रो करके कहने लगे, पति हमको बार बार दंशाता रहता है। गुरु महाराज जी को सिखा दी, अगली बार दंशाएगा ना तो कह देना तुम चले, हमको जरूरत नहीं, चले। गुरु महाराज साहब के चले गए। एक बार फिर दोबारा जो उनके पति उनको दर्शाने लगे, बेसी दर्द करेगी ना, हम ही चले जाएंगे आश्रम में, महात्मे बने। जब ऐसा बोले ना, तो पतलीगढ़ चले न जाइए, हमको आपकी जरूरत नहीं है। जब खरोटी जवाब दी दे वो तो बस काहे के लिए जाएगा, और दूसरी बार से काहे के लिए बोलेगा कि हम चले जाएंगे। उसका कहने खत्म हो गया, उसका कहना उसका भटमची खत्म हो गया। ये दलदल ऐसा है न, कोई वीर ले जो जन्म जन्म के संस्कारी है ना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो इस दर्दों से निकल जाते हैं। वीर निकलना बड़ा मुश्किल है। उपनिषद कहते हैं समुद्र के तट का कीचड़ स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, भयंकर दलदल है, इससे छुटना बड़ा मुश्किल है। जल्दी कोई नहीं छुट पाते हैं, और जब तक छुटेंगे नहीं ना एक दूसरे के प्रेम से आसक्ति से सज्जनों, तब तक ईश्वर का भजन भी संभव नहीं है। कहते हैं ना दुख में स्मरण सब करे और सुख में करे ना, दुख में रहता है ना लोग तो स्मरण करता है भगवान का, और सुख की अवस्था में करता है नहीं करता है। पट पटोरो धन संसार में एकदम समझे परमात्मा एक कृपे है, उसी समय में लोग परमात्मा का स्मरण करता है, ईश्वर का स्मरण करता है। लेकिन खटपट करना नहीं चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, ईश्वर का भजन करना। ये विवेक आपको सत्संग से होगा, महापुरुषों के संग से होगा। तो सज्जना समुद्र क्या है, इसका स्वरूप आप लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। संसार की समुद्र में जो जो है, जो बाहर हम समुद्र को देखते हैं और फिर महापुरुषों के संसार का जो समुद्र का इसमें जो है, इसका वर्णन में आप लोगों को सुना रहा। और आप सुनिए, समुद्र के अंदर में जलचर प्राणी होते हैं। संसार की समुद्र के अंदर में जलचर प्राणी क्या है? ऋषि वाक्य, ऋषि कह रहे थे निद्रा भय श्री श्रीपद, बस समाज में समझ लीजिए निद्रा भय, बहुत कुछ है। निद्रा, हम आप जो सोते हैं ना, नींद जो आती है, और हम आपको जो डर लगता है दूसरे से, ये संसार की समुद्र के जल के जलचर प्राणी है। और याद रखिएगा निद्रा इनकी पत्नी का नाम है। अभी तक आप लोग सत्संग में कभी सुने हैं कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी। निद्रा देवी कुंभकर्ण को कितने समय तक सला करके रखती थी? हाँ, वो 6 महीने तक एक दिन जला करके रखती थी साल में। सज्जनों 6 महीने तक उनको सुला करके रखती थी, एक दिन जला करके रखती। कहा जो निद्रा देवी की गोद में चला जाएगा न वो संसार का काम कर सकेगा, न परमार्थ का काम कर सकेगा। हम लोग के गुरु महाराज जी ने कहा जो भजन करने वाले आदमी हैं, ध्यान करने वाले आदमी हैं, उनको नींद से अवश्य बच करके रहना चाहिए। पदावली के महर्षि वाली पढ़ करके देखिएगा, आपको मिलेगा। गुरु महाराज जी ने कहा भजन करने वाले को नींद से अवश्य बच करके रहना चाहिए। इधर तो काम संसार का काम नहीं लगता है ना, तब उतनी नींद नहीं सताती है। जब भजन करने लगते हैं तब ज्यादा नींद सताती है। देखिएगा ध्यान करने के लिए बैठिएगा ना, तुरंत नींद आ जाएगी, तुरंत नींद आ जाएगी। जब नींद में आप चले जाएंगे तो ध्यान कर सकेंगे? न जप होगा, न ध्यान होगा, कुछ होगा उसमें? कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो नींद से बच करके रहना चाहिए। ये नींद क्या है? संसार के समुद्र के जलचर प्राणी है। ये जलचर प्राणी है। भय क्या है? ये दूसरे से डर लगता है, भयभीत होते रहते हैं। ये भी संसार के समुद्र के जलचर प्राणी है। और सूरदास जी महाराज ने क्या कहा? लिए जात अगार जल में गहे ग्राम अनंत। सूरदास जी महाराज कहते हैं और एक भयंकर जलचर प्राणी संसार के समुद्र के, वो क्या है? अनंग है। अनंग मतलब क्या होता है? कामदेव। कामदेव अनंग है। सज्जना काम किसको बदनाम नहीं किया है? काम ब्रह्मा जी को बदनाम किया है, काम विष्णु जी को बदनाम किया है, काम शंकर जी को बदनाम किया है, एक से एक ऋषि मुनि को काम ने बदनाम किया है। जो जल के अंदर में बैठ करके तपस्या करने वाला है उनको कम ने बदनाम किया है। जो धरती पर बैठा तपस्या करने के लिए युगों बीत गए, धरती के तर चला गया, तो धरती के तर में रहने वाले को काम ने बदनाम किया है। तो जन्म, काम, संसारी भोग, वासनाएं, इच्छा, संसार के भोगों को भोगने की जो इच्छा है, कामना है, यही काम है। संत कबीर साहब ने कहा, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे को जेती मन की कल्पना, काम कहावे। यही तो काम है सज्जनों, ये काम किसको बदनाम नहीं किया। और याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, जिस व्यक्ति के अंदर में ये काम है उनको जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। काम सब सुख सबने उनाई, काम की रातें कोई सुखी नहीं हो सकता है, चाहे कोई काम हो। ये काम क्या है? अनंग है। ये संसार की समुद्र के गड़ा है। गड़ा, गड़ा को जानते हैं ना? गजराज के पेड़ को पकड़ा और गजराज का हाथ खराब कर दिया था, हाथ खराब कर दिया था। अगर ये गजराज भगवान की शरण में नहीं जाता, सरोवर से कमल का फूल तोड़ करके भगवान का स्मरण नहीं करता, तो गड़ा के मुख से गदराज बच पाता? नहीं बच पाता, वो तो उनके मुखारविंद में चला गया था। सज्जनों, 5000 वर्षों तक गड़ा से युद्ध किया था गदराज। गजराज के अंदर में 10,000 हाथी का बल था, सारा बल खत्म हो गया। अंततोगत्वा गराह के मुंह में जा रहा था, अंतिम में भगवान का स्मरण किया। हे गोविंद राघव शरणम तो जीवन हारा, नाथ कांड लगे तो श्री कृष्ण को पुकार। तो वही भगवान गरुड़ पर चढ़ करके आए, गराह की गर्दन को काटे तो गजराज की रक्षा हो, गजराज की रक्षा होगी। सज्जनों, ये काम क्या है? संसार की समुद्र के जलचर प्राणी है और एक ग्राह के समान है, जो इसके मुंह में चला जाता है ना, उसको भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो जीव भगवान की शरण में चला जाए तो गजराज की तरह भगवान की रक्षा कर दे। ईश्वर की शरण में चला जाए, परमात्मा का भजन करना प्रारंभ कर दे, तो उनकी रक्षा हो सकती है। सज्जना, और क्या है जलचर प्राणी? सूरदास महाराज कहते हैं, मीन इंद्रिय अति काटक। मीन मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है मछली। हम आपके 14 इंद्रिया है ना, ये 14 इंद्रिया मछली के समान है। कहाँ की ये मछली है? संसार की समुद्र के जल जो है माया विष है, उसी के ये मछली है, 14 इंद्रिया। सज्जना, 14 इंद्रिया एक मछली के समान है ना, मीन है ना। किनको काटती है? जीवे को काट के खाती है। याद रखिएगा आप लोग, कोई घबरा आदमी जिनके शरीर में घाव है, नदी में घुस जाएगा तो मछली उसको छोड़ देगी, उनके घाव को नोच नोच करके खाएगी, खाती है कि नहीं। हम पहले का अनुभव बताते हैं, जब 32 साल पहले घर पर आते थे ना, महात्मा बनने से लगभग 32 साल हो गए। 32 साल पहले हम घर पर आते थे, तब नदी सब में स्नान करने के लिए जाते थे, धार सब में स्नान करने जाते थे। कहीं कोई फूसी रहती थी ना, उसको बचाना पड़ता था, नहीं तो धार में जब मछली रहती थी ना, वो घाव को आ जाके खुदने लग जाती थी, बहुत दर्द होता था। सब जना, मछली तो घाव को खोलती है, कटे हुए शरीर को खोलती है। महर्षि हरनंदन परमहंस महाराज मनिहारी आश्रम का प्रसंग करते थे कि मनिहारी में एक गरीब व्यक्ति थे, बूढ़े आदमी, उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। उनके कई पुत्र थे, उनके मन में होता था कभी हमारा बाप मर जाए, हमारे पिताजी मर जाए, थूकता रहता, घाव से दुर्गंध भी आती रहती है। बहुत समय तक इंतजार किया, नहीं मरा ना, तो सब बेटा मिलकर के दिन रात में 12 बजे रात में उनको जिंदे बैलगाड़ी को बैठाया और गंगा नदी के तट पर ले गए। नदी के तट पर ले जाकर पानी में घोलटा दिया। बेचारे का हाथ भी ठोंटता, पेट भी ठोंटता, सब में कुछ रोग हो गया था। उंगली सब गल गई थी, पैर की, हाथ की, दोनों। मछली को बड़ा दव मिल गया वहां पर। महर्षि हरनंदन परमहंस महाराज बोले, जिंदे जो फेंक दिया ना दुष्ट बेटा, फेंकना चाहिए बेटा, कभी ऐसा कर्म तो नहीं करना चाहिए। इनकार किया था वैसा सज्जनों याद रखिएगा। कुणाल जो अशोक के पुत्र थे ना, सम्राट अशोक के पुत्र, अपने पिता की आज्ञा पालन करने हेतु दोनों आंख निकलवा लिए थे। कहानी बहुत बड़ी, उधर नहीं जाऊंगा। और माता पार्वती के पुत्र गणेश जो उपटन से जन्म लिया था, जानते हैं आप। माता जी के, अपनी माता जी के इतने बड़े भक्त थे ना कि माता जी के आदेश का पालन करने के लिए अपनी गर्दन कटवा ली। कुणाल आंख निकलवा लिए, पितृभक्त थे। और गणेश जी अपनी गर्दन कटवा लिए, माता जी की सेवा के लिए। प्रसन्न बहुत बड़ा बड़ा रखने जाऊंगा। सज्जना श्रवण कुमार माता पिता दोनों की सेवा करने वाले थे। दोनों की सेवा करने में जानते हैं आप लोग, अपनी जान गंवा दी। अपनी जान गंवाई कि नहीं? रास्ते में ले जा रहे थे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए, प्यास लगी पानी लाने के लिए गए थे सरोवर में। राजा दशरथ उसी जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनको समझ में आया, जब पानी लेने लगे, पानी छल 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 करने लगा। सोचा कोई पशु गया पीने के लिए, तो बाम चला दिया। किनको लग गया? माँ श्रवण कुमार को लग गया। माता पिता के चलते अपनी जान गंवा दिए। तो संसार में ऐसे भक्त भी है, भीष्म पितामह अपने पिता के सुख के लिए अपना सुख का परित्याग कर दिए। जान रहे हैं पिताजी का विवाह तो सदा करवा दिए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा की हम जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे। पिताजी की इच्छा को रखने के लिए, पिताजी के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान करने वाले ये भीष्म पितामह है। संस्कार में जैसे बहुत महापुरुष हो गए, बहुत ऐसे पुत्र हो गए माता पिता की सेवा करने वाले। लेकिन दुष्ट पुत्र तो क्या कहा जाए, वो माता पिता को मानता कभी कभी नहीं। याद रखिएगा, जो पुत्र माता पिता को नहीं मानता है, मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा, ऐसे पुत्र का जब शरीर छूटता है, जमराज का दूध जब पूरी ले जा करके उनको गिलास भर करके घाव का पीव देता पीने के लिए, घाव का पीव देता पीने के लिए। याद रखिएगा आप लोग, अगर माता पिता का अपमान करेंगे, सास ससुर का अपमान करेंगे ना, तब जमपूरी में जाकर के गिलास भरवर करके घाव का पीप पीना पड़ेगा। और जिनको पीप पीने का मन होगा ना, वो माँ बाप का अपमान कीजिए, सास ससुर का अपमान कीजिए, हालत खराब होगा जमपूरी में। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, ऐसा कभी नहीं। सज्जना माँ से हनंदन परमजी महाराज ने कहा, जब प्रातः काल शौच करने के लिए गए गंगा के तट तरफ, तब देखिए एक आदमी हुक हुक कर रहा है पानी में, कभी डूबता था कभी उठता था। संजोग हमारा नहीं था, गंगा के तट पर कदम तेरा कारण किसी तरह से जिंदा रहा था। ठंडा का मौसम था, तब जाकर के आश्रम में बोले, बहुत लोग जान गए, तब उनको पानी से निकाले। बोले फला बाबू है, तो वो कहा कि बेटा सब रात में उनको पानी में जिंदे फेंक दिया, जिंदे फेंक दिया। जहां जहां को घाव था शरीर में, रात भर खोद खोद करके मछली खाई थी, पूरे घाव को उजड़ा उजड़ा कर दिया था। पूरे घाव को जब मछली खोद के उजले उजले हो जाएगा, सब जगह से खून निकल रहा था, रक्त निकल रहा था, पीम निकल रहा था। सज्जनों, मी इंद्रिया इस तरह से जीव को खाती है। इंद्रियों के बस में पकड़ के जीव संसार में पड़ा रहता है ना। का ये क्या है इंद्रिया? ये मीन मछली के समान है। सज्जनों, याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति समुद्र में जाता है तो घर बनाने के लिए नहीं जाता है। कभी घर बनाने के लिए कोई आदमी समुद्र में गया है? कोई भी आदमी समुद्र में घर बनाने के लिए नहीं जाता है। समुद्र में सैर करने के लिए जाता है, घूमने फिरने के लिए जाता है, और घूम फिर करके सैर करके फिर अपना घर आ जाता है, अपना घर आ जाता है। लेकिन हम आप जो संसार में आए हैं, संसार के समुद्र में आए हैं, किस लिए आए हैं? हम आप भी सैर करने के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं। सज्जन, हम घूमने फिरने के लिए कोई समुद्र में जाते हैं ना, तो किसी का सहारा लेते हैं ना, नाव का सहारा लेते हैं, पनिया जहाज का सहारा लेते हैं, तब जाते हैं वहां पर घूमने के लिए। और फिर सैर करके घूम करके अपने घर आते वहां घर में बनाते हैं। हम आप ही सैर करने के लिए आए संसार में। हम आप करने का मतलब शरीर चेतनात्मा जीवात्मा से है। हम आप शरीर रूपी नौका को लेकर के आए संसार रूपी समुद्र में सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। हम आपको भी घूम फिर करके चला जाना चाहिए था। कहाँ चला जाना चाहिए था? जो हम आपका देश है, जो हम आपका लोक है, जो हम आपका घर है, हम आपका देश, हम आपका लोक, हम आपका घर क्या है? वो परमात्मा का देश है। जैसे हम आप का शरीर जिस माता पिता से बना है, उस माता पिता का जो घर है वही घर हम आपका घर है। उसी प्रकार से सर्वस चेतनात्मा जीवात्मा का माता पिता परमात्मा है। परमात्मा है तो परमात्मा के लोक से, परमात्मा के घर से हम संसार में आए थे घूमने फिरने के लिए। फिर यहाँ से जाना था, लेकिन यहाँ पर आकर के घर बना करके रुक गए। यहाँ पर तो सुख नाम की चीज नहीं। आप सुख खोजते सुख मिलेगा? एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, आया था सैर करने ये मुसाफिर तू यहाँ, हाँ सैर कर लौट जाना ये तुझको फिरवा। लेकिन सैर करना भूल कर घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश का प्रदेश में क्यों भूले? प्रदेश में भूल गए हैं। यहाँ सुख नहीं मिलेगा, यहाँ शांति नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको जाना होगा। सज्जन तो आप कैसे जाएंगे? समुद्र को पार करने के लिए कोई सहारा चाहिए, कोई अवलंब चाहिए। तब संसार के समुद्र को कैसे पार करेंगे? इसके लिए कौन सा सहारा है? उपनिषद का कितना बढ़िया बोल रहे थे कि बाहर के समुद्र को तैरने के लिए, चाहे इस पार से उस पार जाने के लिए कोई ना कोई सहारा होता है, अवलंब होता है। चाहे वो नाव हो, पनिया जहाज हो, या आकाश वाला जहाज हो। उसी प्रकार से संसार के समुद्र को भी पार करने के लिए एक अवलंब है। वो कौन सा अवलंब है? ऋषि कहते हैं सूक्ष्म मार्गम अवलंब। ध्यान से सुनेगा, मैं अपनी वाणी में विराम लगाया। सूक्ष्म मार्गम अवलंब। ऋषि कहते हैं संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जीव को सूक्ष्म मार्ग का अवलंब लेना चाहिए और इसका भेद सबसे सदगुरु से जानना चाहिए। महापुरुषों ने कहा यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। किसी संत से इस बात को समझना होगा। सज्जनों, हम आपके शरीर में 9 स्थूल मार्ग हैं और ये एक सूक्ष्म मार्ग है। 9 स्थूल मार्ग को आप लोग जानते हैं, 2 आंख का, 2 नाक का, 2 कान का, एक मुंह, फिर मल मूत्र विसर्जन करने का एक मार्ग हो गया 9। इसी में 10वां द्वार है अज्ञान चक्र, पिंड ब्रह्मांड के मिलन स्थान है का वहां पर सूक्ष्म मार्ग है। इस मार्ग का भेद सच्चे सदगुरु बतलाएंगे। सज्जनों, जब सच्चे सदगुरु से सदयुक्ति जान करेंगे, अपने आप को सूक्ष्म द्वार में, 10वां द्वार में, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करा देंगे ना, तब तो आप संसार के समुद्र से निकल जाएंगे। आप कहेंगे निकलना है संसार के समुद्र से, आप घुसना है शरीर के अंदर में, तो शरीर के अंदर में घुसेंगे तो संसार के समुद्र से कैसे निकलेंगे? याद रखिएगा, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जितने तत्वों से संसार बने हैं उतने तत्वों से शरीर बना है। संसार के जितने तल हैं शरीर के भी उतने ही तल हैं। जीव जब साधना करके संसार के जिस तल को जब छोड़ता है तो संसार के भी उस तल को तब वह छोड़ता है। शरीर के जिस तल को जीव जब छोड़ता साधना करके तो संसार के भी उस तल को तब वह छोड़ता है साधना करके। सज्जना, बात समझ रहे ना आप लोग? संसार में शरीर में संबंध है, जितने तत्वों से संसार बना उतने तत्वों से शरीर बना। संसार के जितने तल हैं उतने तल शरीर के भी हैं। आप शरीर के जिस तल को साधना के द्वारा पार करेंगे, संसार के भी उस तल को आप साधना के द्वारा पार करेंगे। आप अपने को संसार के स्थूल तल से निकाल लेंगे, संसार के भी स्थूल तल से अपने आप निकल जाएंगे। आप अपने को संसार शरीर के सूक्ष्म तल से निकाल लेंगे तो संसार के भी सूक्ष्म तल से आप निकल जाएंगे। जब अपने आप को कारण तल से निकालेंगे, शरीर के कारण तल से निकाल लेंगे तो संसार का भी कारण तल आपका छूट जाएगा। जैसे आप शरीर के महाकारण तल से ऊपर उठ गए, अपने आप को महाकारण तल से निकाल लिए तो संसार के भी महाकारण तल से आप निकल जाएंगे। दोनों में बड़ा संबंध है, दोनों में बड़ा। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, दोनों में बड़ा ताल्लुक है, दोनों में तरह मेल है। शरीर के तल को पार करेंगे संसार के तल को पार कर देंगे। सज्जनों, शरीर के केवल तल को पार करेंगे तो संसार के भी केवल तल को पार करेंगे। केवल तल को पार करना मतलब केवल मंडल में पहुंच जाना, अपनी पहचान कर लेना है, परमात्मा को पहचान लेना है। सज्जनों, जो अपनी पहचान करता परमात्मा को पहचान लेता है वो संसार और शरीर दोनों से निकल जाता है, दोनों से निकल जाता है। सज्जनों, तब जो आपको सुख मिलेगा उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। उसी सुख की तलाश थी कि हमको शाश्वत और सनातन सुख मिले, ऐसा सुख मिले जो कभी हमसे छूटे नहीं। जैसे आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे उस सुख का अनुभव आपको हो जाएगा। सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त किए, उनको प्राप्त करके वही हो गए अर्थात परमात्मा ही हो गए। जानत तुम्हें हो जाए, इस अवस्था को आप प्राप्त कर लिए तो अब आपका ना जन्म होगा ना मरण होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि जिस परमात्मा को आपने पाया है, पाकर के परमात्मा बना है, उस परमात्मा का जन्म नहीं होता है, उस परमात्मा का मरण नहीं होता है। अब आप जन्म मरण के चक्र से छूट गए, सभी प्रकार के दुखों से छूट गए, शाश्वत सुख आपको मिल गया, सनातन सुख आपको मिल गया। सज्जनों, हम आपको इस संसार से निकलना है, इस संसार में रहना नहीं है। संसार में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, क्या क्या दुख है। मैंने आप लोगों को क्रम से थोड़े शब्दों में सब बात बतलाया। यहाँ पर किसी को चैन नहीं मिला, किसी को सुख नहीं मिला, किसी को शांति नहीं मिली। चैन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ईश्वर का भजन कीजिए और अपने आप को शरीर और संसार से निकाल लीजिए, माया से निकाल लीजिए, ब्रह्म में ले जाकर के प्रवेश करा दीजिए। ब्रह्म में मिल जाइए, आपको शाश्वत सुख मिलेगा, सनातन सुख मिलेगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। अभी की सत्संग में इतना आपको सुनाया, फिर अपराह्न काल के सत्संग में आएंगे।